गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 73वीं वीडियो हमारी चल रही है 12वीं क्लास की और 10वीं विविध हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 तक हम काम कर चुके हैं। नंबर 7th से शुरू करिए। नंबर 7th देखिए, अब ये कई सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मुझे कराने की भी ज़रूरत नहीं है, पर कराना तो पड़ेगा, तो आप इसमें देखने की बजाय एक बार खुद भी करने का उसको प्रयास कीजिए, ठीक है? तो उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जैसे 7th में है 0 से π/2, तो 0 से π/2 हो गया। फिर e^(x)(1+sin x) e^(x)(1+sin x)/(1+cos x), ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है, ठीक है? अब देखिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। ये मैटर हमारे पास पहले आ चुका है और हमने क्या किया था, बिल्कुल सेम वही काम करना है। क्वेश्चन आ चुका है पहले, है ना, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस लिमिट ज़रूर आ गई है इसके अंदर। तो i = 0 से π/2, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना तो वहाँ सतर्क हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में दो तरह की चीज़ें निकल के आ जाती हैं। कि ट्रिग्नोमेट्री में एक तो सबसे पहले तो यही हो जाता है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब वो क्वेश्चन होगा आगे। दूसरी बात यह है कि जब हम समाकलन कर रहे होते हैं तो समाकलन के तरीके भी उसमें लग रहे होते हैं, फार्मूले लग रहे होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ों का समावेश होता है और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर कहीं भी चल रही है, कोई फार्मूले समेत चल रही है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बोर्ड के लिए। जैसे तो 1+sin x आ गया। अब 1 को मत करिए कुछ भी, इसको ऐसे ही रहने दिया। साइन एक्स की जगह पर हम लिख देते हैं 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में 1+cos x है, 1+cos x को हम लिख देते हैं 2 cos² x/2, ठीक है? ये स्थिति हमारे पास आ जाती है कि 1+2 sin x/2 और 1+cos x की जगह पर 2 cos² x/2, क्लियर? अब क्या करेंगे, जब ये वैल्यू हमारे पास आ रही है तो e^(x) तो बाहर चल ही रहा है। अब जब e^(x) बाहर चल रहा है तो वही खंडशह समाकलन में जो अभी पिछले क्वेश्चन पे हमने बात की थी, 6th क्वेश्चन पे, कुछ हो सकता है इसी तरह का बन जाए, क्योंकि e^(x) आता है तो कोई ना कोई फार्मूला जरूर बनेगा ही। अलग अलग करिए इनको, तो 1/2 cos² x/2, है ना, एक तो ये बन गया, प्लस इनको अलग अलग किया तो देखिए 2 से 2 कट गया, 1 cos से 1 cos कट गया, बचा क्या, sin/cos यानी tan x/2 और dx, इसको भी ऊपर ले गए तो ये बन गया i = 0 से π/2 e^(x) 1/2, ये ऊपर चला गया तो sec² x/2 + tan x/2, ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब इनको अलग अलग कर लीजिए। वैसे तो खैर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e^(x) आ रहा है, fx आ रहा है, f'x आ रहा है, सीधा ही हो रहा है। देखिए ये fx हो गया, ये f'x हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि fx यानी फलन, tan x का अवकलन क्या होता है, इसको x मानिए पूरे को, तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है, सही है? फिर x/2 का करेंगे अवकलन तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, हो गया क्लियर? ये तो वही फार्मूला यहाँ पर दोबारा से साइड में लिख दिया कि e^(x) fx + f'x और dx बराबर है e^(x) fx + c, ठीक है? तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है, e^(x) fx में क्या आया, tan x/2 और लिमिट है 0 से π/2, ठीक है? यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कर लेते हैं भाई, सी तो आप लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे निश्चित समाकलन चल रहा है, लिमिट चल रही है ना, सूत्र में जरूर सी आ रहा था तो हम सूत्र में तो सी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब उच्च सीमा का प्रयोग किया, तो पहले उच्च सीमा लगाई, क्या आ जाएगा, e^(π/2 × tan, यहाँ पर एक्स के स्थान पर π/2 रखना है, इस एक्स के स्थान पर π/2, तो 2 नीचे चल रहा है, π/2/2 क्या बन जाएगा, π/4, सही है? माइनस फिर e^(0) आ गई, ये भी ठीक है,
फिर यहाँ पर आप रख इसमें रखते हैं 10, यहाँ पर 0 कर दिया x के स्थान पर, तो 0/2 हो गया, 0/2 का मतलब 10 0 हो गया, है ना। किसी भी संख्या में आप किस 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दे देते हैं तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, ये काम ख़त्म। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया और आंसर क्या होगा, e की पावर π/2, कोई हल नहीं है, 10π/4 का, 10π/4 का वैल्यू 1 होती है ना, 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान एक होता है, तो ये एक हो गया, एक का गुणा e की पावर π/2 से हुआ तो ये आ जाएगा e की पावर π/2 माइनस e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से जब ये मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ e की पावर π/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 8, इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक एग्जाम्पल आ रहा था, उसके जैसे ही है, एग्जाम्पल नंबर 9th प्रश्नावली में था वो, कल एक ग्रुप में एक बच्चे ने पूछा भी था, एग्जाम्पल नंबर 57 है और 261 पेज नंबर पे है ये, तो थोड़ा सा गौर करिएगा इस पे कि 57 नंबर एग्जाम्पल 261 पेज नंबर पे दिया हुआ है, एक बच्चे ने ग्रुप में कल डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, तो हालांकि खैर उसको मैंने कर दिया था उस टाइम पर अगर वो समझ में नहीं आया है, क्योंकि वो तो लिखित में ही गया है ना, एक PDF की तरह गया था वो, तो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको इस क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हैं, बस वहाँ पे 5 पावर आ रही थी, यहाँ पर 3 पावर आ रही है, वहाँ पे 1/5 था, यहाँ पे 1/3 है, नीचे उसमें 6 था, यहाँ पर 4 है, तो क्वेश्चन तरीका और सेम बिल्कुल, तो 1/3 से 1 लिमिट बन रही है, तो आप इसको देखिए, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा, 1/3 से 1 की लिमिट आई, और क्वेश्चन है x-x³, तो x-x³ की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4 ये दिया गया। अब इसको हल करना है, तो वो एग्जाम्पल जो है उसका जो तरीका चल रहा है वही सेम तरीका यहाँ पर काम करेगा, पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, लेकिन ये जनरल सी बात है कि एक बार तरीका जब आप सीख जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा ये चल रहा है वैसा का वैसा सवाल आए, कोई भी चेंज कर सकता है, यहाँ से कोई वैल्यू बदल दे, यहाँ से कोई वैल्यू बदल दे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे चाहे यहाँ पर 100 पावर भी दे देगा ना, तब भी आप उस पावर को कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहली कंडीशन ये आ जाती है कि भाई लिमिट तो जो वैल्यूज़ हैं हमारी उच्च सीमा और निम्न सीमा वो तो ऐसी चलेंगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ से हम एक कार्रवाई शुरू करते हैं कि क्या काम हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आया x³ है, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ x³ है, इस x³ का अंदर ही इस वाले ब्रैकेट में ही x³ का भाग देना है और x³ से गुणा करना है, दोनों काम करने हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो x-x³ में मैंने x³ का भाग दे दिया है ना, और x³ से गुणा कर दिया, ऐसे ले लो इसको, यहाँ कर देते हैं गुणा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x-x³ है, इस x-x³ में x³ का भाग दे दिया और x³ से गुणा कर दिया, दोनों काम कर दिए, ब्रैकेट के अंदर ही किए तो सवाल पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अब ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है, 1/3 पावर, तो ये 1/3 पावर चलती रहेगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, नीचे x4 है, x⁴, ये भी चलती रहेगी, ये dx आ गया। अब क्या होता है कि जब हम इसमें काम करते हैं तो 1/3 और 1 ये तो ऐसे ही आ रहे हैं। अब देखिए ये जो x³ है, अगर हम इस पावर को अलग अलग करें तो ये पावर एक बार तो यहाँ लग जाएगी इस वाले ब्रैकेट पे आके, और एक बार ये पावर यहाँ लग जाएगी इस ब्रैकेट पे आके, है ना, दोनों पर लग जाएगी, तो जब इस पे लगी तो क्या वैल्यू बन रही है, x³ की पावर 1/3, है ना भाई, दोनों गुणा में ही तो हैं, तो पावर तो अलग अलग कर सकते हैं हम दोनों के साथ में, इसके साथ अलग कर दी पावर और इसके साथ अलग कर देंगे, तो x में जब इसका भाग करेंगे 1/x² आएगा, x में इसका भाग कर दिया तो
वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब इसमें भाग करेंगे तो एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का भाग हुआ तो माइनस वन आया, और पावर कितनी चल रही है, एक बटा तीन, ठीक है। और अपॉन में कोई चेंज नहीं, जैसे ही एक्स की पावर फोर है एज इट इज चलता रहेगा। देखिए यहाँ तक उसको ध्यान से समझिए, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर लिख के भेजें, बाकी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ इस स्पीड में। आपने जैसे पहले भी कहा था कि थोड़ी सी स्पीड डाउन कर लीजिए, तो हमने स्पीड भी अपनी डाउन कर ली है। अब देखिए यहाँ पर तीन आ रहा है, क्यूब है ना, और यहाँ पर वन अपॉन थ्री आ रहा है। तो जब किसी संख्या पर घात होती है, घात पर घात होती है तो क्या कंडीशन होती है, घातांक नियम हमने पढ़ रखे हैं छोटी क्लासेज में, तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं, और जब ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो तीन इंटू एक बटा तीन, तीन से तीन कट गया, बचा क्या x केवल। तो यहाँ से एक बटा तीन ये वन हो गया, यहाँ पर x हो गया, इसको अभी कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रख लिया एक बटा तीन, और अपॉन में x की पावर चार, और dx हो गया। x से ये वाला x फोर कट गया, क्या बच गया, एक बटा तीन से एक, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एक बटा तीन, और बटे में एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब इस ऊपर वाले को टी मान लेते हैं, इसको हमने माना कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टी, ये मान लिया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको हम टी मान रहे हैं। अब आपको पता है देखिए इसको जब हल करते हैं तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ, कि अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर है जिसको आपने टी माना है, इसका अवकलन करना है, तो इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो एक्स की पावर माइनस टू हो गया, है ना, नीचे आ रही है तो प्लस की पावर है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो एक्स की पावर माइनस टू हो गया, यानी एक्स की पावर एन बन गया, ये भी एक्स की पावर एन बन गया। एक्स की पावर एन से एन ये आ गया, एन एक्स एक्स आ गया, एन माइनस वन हो गया, तो माइनस टू ये हो गया एक्स की पावर माइनस तीन, है ना, एक्स की पावर माइनस तीन। अब इस एक्स की पावर माइनस तीन को नीचे ले गए तो माइनस टू अपॉन एक्स की पावर प्लस का तीन हो गया, यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टू अपॉन एक्स की पावर क्यूब, ये मिलेगा, ये मान इसमें रखिए। तो माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, माइनस वन का तो जीरो हो ही गया, और डी एक्स बराबर डी टी। अब थोड़ा सा गौर भी करिए कि जो चीज़ यहाँ पर आ रही हैं क्या उनमें से वो सभी चीज़ हमारे पास उपस्थित हैं क्या, तो वन अपॉन एक्स क्यूब तो है, वन अपॉन एक्स क्यूब है ना, डी एक्स भी है, बाकी तो नहीं है, ये माइनस दो नहीं है, देखिए माइनस दो यहाँ पर नहीं है हमारे पास। जब माइनस दो नहीं है तो इस माइनस दो को हटा के यहाँ भेज देते हैं, और वैल्यू क्या मिल जाती है, डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब बराबर माइनस डी टी अपॉन टू, सही है भाई, माइनस भी उधर चला गया और टू भी उधर चला गया, हो गया काम खत्म। अब क्या कर लेंगे, जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास तैयार होता है कि डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी अपॉन टू, तो माइनस डी टी को तो अंदर लिखेंगे और वन बाई टू बाहर आ जाएगा, पहली बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद में ये पूरा पोर्शन टी माना गया है तो टी की पावर एक बटा तीन हो गया, तो टी की पावर एक बटा तीन हो गया, बटे में अब कुछ लिखना ही नहीं है, बात खत्म, ये डी टी हो गया, क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई। लेकिन अब भी ये गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है कि हमने लिमिट नहीं रखी है, है ना, तो ये मिटा देते हैं। अब लिमिट देखिए, उच्च सीमा आ रही है एक, निम्न सीमा आ रही है एक बटा तीन, तो पहले हम उच्च सीमा की वैल्यू रखते हैं, उच्च सीमा क्या है, x बराबर एक, जब x बराबर एक होगा तो t बराबर क्या होगा, यहाँ पर एक रख रहे हैं, है ना, x की जगह पे एक रख रहे हैं, तो वन अपॉन वन हो गया, वन अपॉन वन मतलब वन हो गया, वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, तो t बराबर क्या प्राप्त हुआ, जीरो। और निम्न सीमा की जगह पर हमारे पास है x बराबर एक बटा तीन, तो t बराबर क्या होगा, जब x बराबर एक बटा तीन है ना, x बराबर एक बटा तीन ही तो है निम्न सीमा में, तो यहाँ पर एक बटा तीन रखेंगे, जब यहाँ पर एक बटा तीन रखेंगे स्क्वायर होगा, एक बटा नौ हो गया, सही है, एक बटा नौ, नौ हट के ऊपर गया तो नौ बटा एक रह गया, तो नीचे वाले एक का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे नौ रह गया, नौ माइनस एक कर दिया आठ आ गया, तो टी का मान कितना आ गया, आठ, है ना, कैलकुलेशन मैंने मुँह जबानी कर दी है, आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा रफली करके देख सकते हैं
पर यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत हल्का सा काम है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उच्च सीमा में, तो जीरो आ रहा है और निम्न सीमा में आठ आ रहा है। अब ये चीज़ आपके लिए गड़बड़ नहीं है, जब आप शुरुआत में ही काम कर रहे थे तब तो ज़रूर मन में एक बात आ रही थी, भाई उच्च सीमा तो बड़ी होनी चाहिए, निम्न सीमा छोटी होनी चाहिए, लेकिन अब हम गुणधर्म पढ़ चुके हैं, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इनको घुमा देते हैं, तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, पर ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही छोड़िए। तो आई बराबर माइनस एक बटा दो, इसका हल करते हैं तो टी की पावर एक बटा तीन है, क्या हो जाएगा, टी की पावर एक बटा तीन प्लस वन और एक बटा तीन प्लस वन, है ना, और आठ से ज़ीरो। भाई एक्स की पावर एन का ही तो फॉर्मूला बन रहा है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बना, तो ये क्या बन गया, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन, क्लियर। अब इसको जब हल करते हैं तो माइनस एक बटा दो, इसका आ गया यहाँ से टी की पावर चार बटा तीन, और यहाँ पर भी चार बटा तीन, अब ये तो कांस्टेंट है चार बटा तीन, ये चार बटा तीन जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, तीन बटे चार, सही है, ये हो गया। अब उसके बाद में आठ और ज़ीरो, ये ऐसे चल रहा है। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो इसकी लिमिट लगाई, यहाँ से बन गया माइनस तीन बटे आठ, तो माइनस तीन बटा आठ, और पहले उच्च सीमा रखते हैं तो टी के स्थान पर ज़ीरो, जब ज़ीरो की पावर चार बटा तीन चल रही है तो ज़ीरो ही होगा, तो ये तो वैल्यू बन गई ज़ीरो। माइनस आठ के स्थान पर चार बटा तीन रखते हैं, वो टी के स्थान पर आठ रखते हैं, देखिए यहाँ पर टी के स्थान पर आठ रख दिया, आठ की पावर चार बटा तीन हो गया, तो आठ की पावर चार बटा तीन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से भाई इसको हल करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे आठ आ रहा है, देखिए इसको मैं यहीं कर देता हूँ, छोटा सा मैटर है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। जैसे दो है, दो का क्यूब आठ होता है ना, दो का क्यूब आठ होता है, और वहाँ पे आ रहा है आठ की पावर चार बटा तीन, यानी अगर आठ की जगह पर हमने दो का क्यूब लिख दिया और इसकी पावर चार बटा तीन कर दी, तो पावर पे पावर आ रही है, पावर पे पावर आ गई, तो क्या हो गया, घातांक नियम के अनुसार ये वाला कैंसिल हो गया, तो दो की पावर चार हुई, दो की पावर चार कितनी होती है, सोलह, ठीक है। तो आई बराबर माइनस तीन बटा आठ इंटू माइनस सोलह, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस सोलह, आठ से ये कट गया दो बार, तीन दूनी छः, और प्लस का छः आंसर आ गया, तो आंसर आया प्लस का छः, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा आठ नंबर कंप्लीट है। इसी टाइप से आपको वो भी करने हैं, सत्तावनवा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता रखा है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। नंबर नौ पे आए हैं, नंबर नौ, नवा देखिए, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कोई खास काम नहीं, कि नवा है जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये स्थिति आ गई, एक्स स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या कंडीशन बनती है, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि दिखने में तो ये खंडशह समाकलन दिख रहा है भी, लेकिन कॉज स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, और कॉज स्क्वायर एक्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, अब यहाँ बात करेंगे ही नहीं, कि अगर कोई भी घात चल रही है साइन और कॉस के ऊपर तो फिर डायरेक्टली कुछ नहीं हो सकता, कोई ना कोई फार्मूला बन ही रहा है। अब फार्मूला क्या बन रहा है पहले उसके बारे में डिस्कस करें, वे जीरो से पाई बाई टू ये बन गया, और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ है ही, ये जो कॉज स्क्वायर है इसकी जगह पर हम वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू रख सकते हैं ना, रख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स की जगह पर वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये बात हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पर लिख कई बार लिखा है इस चीज़ को, है ना, तो आप साइड में नोट करेंगे इसको, और टू जो है इसको तो लेके बाहर आ जाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़ीरो से पाई बाई टू
एक्स स्क्वायर, ये अंदर गुणा हुआ एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर इसके साथ गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर कॉस टू एक्स और डी एक्स हो गया। अलग अलग कर दिया दोनों को, जीरो से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये स्थिति बन गई। अब आप इसको हल कर देते हैं तो ये तो सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री और जीरो से पाई बाई टू प्लस इसमें खंडशह समाकलन हो रहा है। क्लियर है कि भाई ये एलजेब्रिक बन रहा है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है, तो आइलेट नियम लगाते हैं। आइलेट नियम के अनुसार एलजेब्रिक पहले होता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में होता है, तो एलजेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड। इसमें मान रख दीजिए, तो यहाँ से पहले पद को छोड़ दिया, फिर cos 2x का समाकलन, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन और cos 2x का समाकलन का कंप्लीट समाकलन और लिमिट चल रही है जीरो से पाई बाई टू। ठीक है, ये सिंपल नियम लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको जब हल करते हैं तो देखिए i बराबर एक बटा दो, यहाँ पर क्या आएगा इसको हल कर देते हैं भाई, पाई ये एक बटा तीन को बाहर ले आइए, एक बटा तीन बाहर आ गया तो एक बटा छः हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब पाई रखना है यहाँ पर, तो पाई क्यूब अपॉन एट है ना, इसकी जगह पर आप पाई बाई टू रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या बन गई पाई क्यूब अपॉन एट, और जीरो करेंगे तो फिर सब जीरो है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो गया। प्लस आप इधर आ जाइए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, कॉस टू एक्स का क्या होता है कॉस टू एक्स का समाकलन कर रहे हैं, कॉस टू एक्स का समाकलन हो गया साइन टू एक्स, और ये जो टू एक्स आ रहा है इस टू एक्स में अब टू एक्स का भी तो होगा, टू एक्स का होगा तो अगर ये अवकलन होता जब तो टू बाहर गुणा हो जाता, लेकिन अब क्या हो रहा है टू भाग में आ जाएगा, है ना। बात कर चुके हैं हम इसके बारे में पहले, तो कोई ज़्यादा डिटेल अब मैं बात नहीं कर रहा। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, कॉस टू एक्स है इसके लिए काम करते हैं तो क्या आ जाता है साइन टू एक्स, और साइन टू एक्स अच्छा आई टू मान सकते थे, इसमें आई टू मान लेते तो अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाता। दोबारा करना पड़ेगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2x हो गया और यहाँ से साइन 2x हो गया और ये dx और 0 से पाई बाई टू। आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे, जैसे ये i1 कर देते ना, इसको i2 मान लेते तो ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाता, अब ये बड़ा मिक्सअप सा चल रहा है तो ऐसा नहीं होगा इसमें। अब फिलहाल क्या करिए, इस ब्रैकेट को हल कर देते हैं, ये वाला ब्रैकेट खुलता है और ये एक बार और होगा, ठीक है वैल्यूज़ हम लास्ट में रखेंगे एक साथ। तो i बराबर एक बटा छः और पाई क्यूब अपॉन एट, ये ऐसे चलता रहेगा, प्लस इनको हल कर दिया एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस दो को बाहर किया एक्स साइन टू एक्स और डी एक्स, ठीक है, और ये हो गया ज़ीरो से पाई बाई टू। लिमिट एक साथ लगाएंगे इसमें भी और इसमें भी, दोनों में एक साथ रख देंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पोर्शन पर, इसी पे ही देखिए, ये फर्स्ट बनेगा ये सेकंड बनेगा, दोबारा से खंडशह समाकलन होगा तो माइनस टू अंदर चलता रहेगा। इसको हम लिख देते हैं i बराबर एक बटा छः इंटू पाई क्यूब अपॉन एट और प्लस प्लस एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स अपॉन टू, इसको चाहो तो आप अलग कर दो अभी, तो ये जीरो से पाई बाई टू के साथ में अलग हो जाता है, फिर माइनस टू को बाहर रखना है और दोबारा से खंडशह समाकलन कर देना है। तो जब खंडशह समाकलन हम दोबारा करते हैं तो देखिए क्या क्या कंडीशन बनती हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया तो एक्स को छोड़ दिया, फिर साइन टू एक्स का समाकलन हो गया, फिर जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन हो गया,
जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन हो गया और साइन टू एक्स का समाकलन हो गया, साइन टू एक्स का समाकलन और इनका कंप्लीट समाकलन है ना, और लिमिट लगा लेनी है ज़ीरो से पाई बाई टू। तो आई बराबर ये हो जाता है पाई क्यूब अपॉन 48 प्लस, इसमें भी हल कर दीजिए इसको भी, तो यहाँ पर रखते हैं 1/2 को तो बाहर कर लीजिए पहले, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे। अब पाई रखा है यहाँ पर, पाई पाई बाई टू, पाई बाई टू यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। ठीक है, साइन 2x है तो साइन 2x 2 इंटू पाई बाई टू रख दिया, ज़ीरो करेंगे तो सारे ही ज़ीरो हो जाएगा, तो उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ज़ीरो आप यहाँ लगाएंगे तो ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो यहाँ करेंगे तो साइन ज़ीरो की वैल्यू भी ज़ीरो हो रही है, तो सारा ही ज़ीरो हो रहा है। अब साइन पाई बचता है केवल, इसको बाद में हल करेंगे, यहाँ आ जाइए। तो एक्स साइन टू एक्स का क्या होता है, माइनस कॉज टू एक्स अपॉन टू, फिर माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष एक होता है, साइन टू एक्स का फिर माइनस कॉस टू एक्स और अपॉन टू होता है, 1/2 आ गया और dx हो गया और 0 से पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट। फिर i बराबर पाई क्यूब अपॉन 48 प्लस 1/2, इसको देखिए पाई स्क्वायर अपॉन 4 तो है ही, और साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन पाई ज़ीरो होता है ना, तो ग्राफ वाली प्रश्नावली आई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, 11th क्लास में भी चला था, साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। जब साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है तो उसी के साथ तो ये गुणा हो रहा है और उसी के साथ में ये गुणा हो रहा है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन ये तो कन्वर्ट किस में हुआ, ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो गया, ख़त्म कहानी इसकी। और यहाँ लिख दीजिए ज़ीरो, बस थोड़ा सा याददाश्त के लिए ज़ीरो लिखा है, अगली स्टेप पे इसको हटा देंगे, माइनस टू हो गया। अब इधर आ जाइए, इसमें पहले इसको हल कर लेते हैं, तो इस माइनस दो को चलो अभी ऐसे रहने, एक्स कॉस टू एक्स अपॉन टू ऐसे ही चल रहा है, प्लस 1/2 है कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स और अपॉन 4 हो जाएगा और 0 से पाई बाई टू वैल्यू डालिए। अब लिमिट रख देते हैं, तो पाई क्यूब अपॉन 48 प्लस 0 को आप हटा देते हैं, माइनस 2 बाहर चल ही रहा है, पाई बाई टू यहाँ आ गया, पाई बाई टू हो गया, या सीधा ही रख दूँ क्या, 0 ही हो रहेगा सीधा, चलो इसको हटा देते हैं, लिखना नहीं है, एक्स की जगह पर पाई बाई टू रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर नहीं कॉस पाई बनेगा, ये तो पाई बाई टू हो गया। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं, देखिए कॉस एक्स मतलब एक्स की जगह पर पाई बाई टू रखते हैं, पाई बाई टू रख दिया, 2 से 2 कट गया, पाई हो गया, पर ये वाला जो 2 है ना ये इसके नीचे नहीं है, थीटा के नीचे, ये गड़बड़ मत कर देना बस, क्योंकि ये वाला जो 2 है इसको आप बाहर ला सकते हैं बड़े आराम से, थीटा में से 2 बाहर नहीं आता, अक्सर गलती यही हो जाती है। तो इस 1/2 को आप चाहें तो ऐसे लिख दें अलग से ताकि कोई गलती ना हो, x की जगह तो पाई बाई टू हो गया, ठीक है, 1/2 ये वाला चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कॉस पाई, 2 से 2 कट गया ना थीटा में, तो कॉस पाई बच गया, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, एक एक चीज़ को मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ ध्यान से बिल्कुल, x की जगह पर पाई बाई टू रख दिया, 1/2 ये वाला है इसको यहाँ रख दिया, कॉस पाई बन गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है ये मान रख दिया, प्लस 1/4 ऐसे ही, यहाँ पर पाई बाई टू रखा, पाई बाई टू रख रहे हैं x की जगह पर, x की जगह पर पाई बाई टू रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई आया, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये उच्च सीमा तो हमारी फ्री हो गई। अब आ जाइए निम्न सीमा पर, जब निम्न सीमा का मान रखते हैं तो यहाँ पर x की जगह पर 0 किया, अब अंदर क्या है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही 0 से ख़त्म हो ये गुणा हुआ सारा का सारा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 किया तो साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो इससे गुणा हुआ ये भी 0 हो गया, तो प्लस में 0 हो गया, मतलब सब कुछ 0, अब काम खत्म हो चुका है। अब ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट बाकी है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसमें, पाई क्यूब अपॉन 48 हो गया, माइनस 2 बाहर चल ही रहा है, अब -1 और ये माइनस ये तो प्लस हो गया, पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 जब बाहर आता है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस
ये तो प्लस हो गए, ये माइनस हो गया, तो माइनस का पाई बाई टू बच गया। सही है, ये आंसर हमारा हो जाता है। अब इसको कैसे कर रखा है इसको आप देख लो, पाई बाई आप देख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं कुछ। वन बाई फोर कुछ आगे गुणा रह गया क्या कोई, वन बाई टू, अच्छा हाँ यहाँ छूट गया ना एक, वन बाई टू इसके साथ तो कर दिया, वन बाई टू यहाँ भी तो आएगा है ना, वन बाई टू यहाँ भी आएगा, सबके आगे वन बाई टू आएगा। एक हल्की सी गलती और सारा मामला ख़राब। ये एक बटा दो हो गया, पूरे के साथ चल रहा है, यहाँ एक बटा दो आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैंसिल हुआ, इसमें भी वन बाई टू रहेगा, अलग अलग कर दिया, ये वन बाई टू हो गया और ये बाहर आ जाएगा, वन बाई टू बाहर चले रहा है, ये पाई बाई फोर हो गया, ये साइन पाई, ये ठीक है, वन बाई टू चलता रहेगा, ये तो ज़ीरो हो ही जाएगा पूरा, इससे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अब इधर आ जाओ, ये कट गया तो ये दो हट गया यहाँ से, ये दो हट गया यहाँ से, ना ये दो हट गया यहाँ से, जब ये दो हट गया तो क्या बचा, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर आ जाएगा इसमें, पाई बाई फोर, ठीक है, पाई बाई फोर। और अंदर से भी कुछ गुणा हो रहा है क्या, एक टू और मिस्टेक आ रही है, एक टू की और कहाँ मिस्टेक आ गई, एक देखिए इसमें एक छोटा सा करेक्शन हुआ है कि हमने यहाँ पर जो एक बटा दो लिया था ना, ये तो सही था, एक यहाँ पर इंटीग्रेशन में दिक्कत हो गई थी, कॉस टू एक्स अपॉन में टू नहीं लिया मैंने, और शायद आपने नोट भी कर लिया होगा इस चीज़ को पहले ही है ना, तो दो से दो कैंसिल कर दिया तो ये बचता है। फिर ये जो एक बटा दो बाहर से आ रहा है ना, वो एक बटा दो यहाँ गुणा हो गया, यहाँ गुणा हो गया, यहाँ गुणा हो गया, यहाँ गुणा हो गया, एक बटा दो चलता रहेगा। अब जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से आंसर हमारे पास पाई क्यूब बटे 48 माइनस पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए।